15 साल से वंचित रहे सरकारी योजनाओं से ग्रामीण और नहीं हुआ कोई भी विकास। मामला है उत्तर प्रदेश के बहराइच ब्लॉक शिवपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटवा का ताजा मामला सामने आया है कि 15 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ गांव का विकास। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह ये बात सही बैठ रही है। जिस जनता ने नया प्रधान को चुनाव जिताया तो उसने भी बड़ा माफिया निकला। प्रधान बनते ही ग्राम समाज जमीन को अवैध पट्टा बनाना शुरू कर दिया। जब प्रधान बनते ही ये हाल है तो आगे की क्या होगा भगवान भरोसे। जैसा कि बताया जा रहा है खुले राजपूत दरगाह ने एक बकरी का बच्चा चुरा लाया था, उसको भी पैसे के दम पर प्रधान ने छुड़ा लिया। इस बात को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसी ग्राम पंचायत के अनीता पांडे समाज सेवक ने इस बात का खुलासा किया कि इतनी कमियां मिली कि इतनी बड़ी मुश्किल है। सुरेश सोनकर जो कि अपने घर के सामने मंजन कर रहा था उसको भी नाजायज तरीके से फंसाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट राजीव कुमार सिंह बहराइच। सरकारी जमीन पे लगा के रखा है। सरकारी जमीन पे अंगूर करना के जो बंदे थे वो कब्जा कर लिए हैं। मेरे पास ये रहे बता रहे कि पुलिस बलवाएंगे, चार डंडा पड़ेगा तब आपको हटाओगे। आप हटाओगे? कौन बोल रहा था? सुकुमार पांडे। हाँ का फोन है। कौन है? है कुछ नहीं मगर सुकुमार पांडे वो है कुछ नहीं। ये देखिए कुछ नहीं है। बहुत ये देखिए होम गार्ड जब थे तब क्या इस टाइम नहीं है। मेरे पास पूरा चिट्ठा है। मैं लड़ाई वैसे नहीं लड़ती। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुँचाया। लास्ट में मैंने आप लोग का सहयोग लिया कि आप लोग कुछ करिए। बताओ तो घर में लगा तीन दिन से तीन दिन से मैं सारे लोगों का राशन कार्ड बेवा पेंशन लड़कियों की शादी के लिए आवास नहीं मिला सारा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में अंकुर वर्मा का लड़का अखिलेश यही सब लोगों से लेके जा रहे हैं कि आगे से पैसा है उसको दिलवाएंगे। बताइए ये अनपढ़ है तो क्या इनका शोषण हम करेंगे? वो हमारा राइट नहीं है। हम पढ़े लिखे इनका सहयोग करेंगे क्योंकि अनपढ़ हमको कुछ पता नहीं है। आवास आया उसके बावजूद भी पंचायत से बैठे कर हमारे अगर हम इसके मार्फत में काम नहीं करेंगे तो इसका पावर ऊपर तक है। तो मैंने कहा अब अगर जो आप जिम्मेदारी से काम करेंगे पब्लिक की सेवा के लिए तो मैं आपके साथ हूँ। देखती हूँ कौन आपको यहाँ कोटवा ग्राम सभा से हटाएगा। आप मुझसे बताइए सप्लाई इंस्पेक्टर मैंने फोन किया एक बार उठाया फोन नहीं उठा रहा। वीडियो को फोन किया जब जांच आगे से आ गई तो वीडियो से मेरा नंबर उठा रहा। अधिकारी जी एक कॉल करती हूँ फोन उठा लेते हैं। क्या जरूरी है मीरा देवी का घर से आगे से पीछे फोटोग्राफी करना चाहिए? दिन में होनी चाहिए जानकारी भी पब्लिक आए बताए। आवाज आया है क्या रात में? रात में फोटोग्राफी रात में 10 बजे गवा भी है कुछ नहीं मिला। सेक्रेटरी साहब रात के 10 बजे सेक्रेटरी कौन कौन क्या नाम है सेक्रेटरी का? कौन सेक्रेटरी है श्रीवास्तव? क्या नाम है? श्रीवास्तव। मैंने कहा कि आप काउंटर का पूरा चिट्ठा मुझे दीजिए तो मैंने कहा कि लोगी पासवर्ड दीजिए तो कह रहा नहीं मुझे पावर नहीं है। तो मैंने कहा किसको पावर है? वीडियो को। बोले हाँ आप वीडियो सीडी हम देंगे। अभी तो वीडियो के पास नहीं गए हैं लेकिन वीडियो वीडियो सारे चीज चले जाएंगे कि जो गरीब हकदार है उस चीज का उसको मिलना चाहिए। मुर्गी का जो अनाज होता है गरीबों को दिया जाता है वो जो पैसा आता है या अनाज आता है वो जाता कहाँ है? तो 25 साल से इनको कुछ नहीं मिला। नाली वैसे की वैसे बह रही है। गंदगी गंदगी के जरिए लोग बीमार हो रहे हैं। कहीं की उम्र है कहीं ब्लड कैंसर है। और कोई नाली खड़ा कुछ उठाने बनाओ कोटवा क्या समस्या है? समस्या साहब जो है कौन है खेत में रही कितने साल हो गए आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं? थोड़ा जोर से जो पुराने प्रधान मतलब 25 साल से तीन बार प्रधान चेंज हो गए तीनों प्रधान ने कोई लाभ आपको इस बारे में आपने प्रधान जी से कोई बात किया? मैं आपको बताया प्रधान जी से हमको ग्राम के रहने वाले हैं।
ये समस्या हो गई ना साहब, हमका घर मिला है ना कल्लत लिए जा तो को 5 किलो दे, हमको 6 किलो दे, 5 किलो खाइए गई मीटर 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 5 किलो गल्ला मिलता है, 5 किलो ना दे तो को 14 किलो दे, हमको 13 किलो। और आवास आवास ना मिला है ना गाड़ी ना खराब। कौन से प्रधान थे पुराने? पुराने मिलन तो प्रधान से आपने बात किया? प्रधान से बात करो तो उनके प्रधान खुदाओ महाराज चला था। प्रधान के दोस्त कागज लेके देवी। कौन सा ग्राम पंचायत है? क्या समस्या? अरे समस्या का नाम आवाज नहीं जिंदगी मत नहीं रहा है जैसे देश आगे कुछ नहीं। क्या कितने प्रधान और पुराने प्रधान का क्या नाम था? मिलन। उनसे आपके कोई आपने उनसे बात किया कि प्रधान ये बहुत बाजी कहा और कही नहीं है पुताऊ महाराज मालिक है तो कहाँ मिलेगी? प्रधानी को दूसरा चला था। हाँ दूसरा चला था अमरीकापुर ना। ये लेटरिंग नन्हे नन्हे बच्चा है तो लेटरिंग चाहिए। हाँ कब हूँ मैं? कौन सा ग्राम पंचायत? क्या समस्या है बताइए? उधर 19 किलो दिया था। क्या नाम है आपको? कुंतला। कौन सा ग्राम पंचायत है? कोटावा। बताइए क्या समस्या आपकी? अब ना लेटरिंग है ना घर है कॉलोनी है ना गल्ला ले जाता हूँ 19 किलो देते हैं। क्या बोलते हैं प्रधान? प्रधान के जाओ तो कहे की जाओ वहाँ जाके मोहल्ले को जाए के जाओ तो वहाँ जाओ तो वहाँ कहा के दिए हुई है वो घर लेते नहीं है ना हमके लेटरिंग घर हमारे पास मकान नहीं है। कौन सा ग्राम है? ब्लॉक कौन सा? जिला कौन सा? क्या समस्या है बताइए? हमारी यह समस्या 25 साल हो गए हमको यहाँ आने और ना हमारे पास शौचालय है ना आवास हम गल्ला तो मिलता है लेकिन 19 किलो। कितना यूनिट है? 25। 25 यूनिट 5 यूनिट मतलब 25 मिलना चाहिए 19 यूनिट तो जो ये रात को मतलब आवास हाउस नहीं रहा इस बारे में आपने प्रधान जी से बात किया? जैसे मान लिया वो प्रधान के तो प्रधान चली गई, उनका यह है कि रिकवरी हो सकता है। आने वाले में हम प्रयास करेंगे कि जो नए प्रधान जी बने हैं वो सारा आपको मतलब जो भी व्यवस्था जो सरकारी योजना है आपको लाभ आ रहा है और नए वाले प्रधान। चलिए ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको दिलाया जाए। ना तो हमारे पास घर है और 6-7 बच्चे हैं। प्रधान के यहाँ जाओ तो हमारे सबके नाम है नहीं बताओ। पुराने प्रधान के पास आप गई थी? प्रधान जी क्या बोले आपको? प्रधान जी क्या बोले? प्रधान जी हम लोग उनका बुलाते नहीं है, जो उनके साथ साथ में उनका बुलावा हम देखते हैं। आप इसकी सूचना कहीं दी थी? कहीं नहीं दी। प्रधान जी से आपने बात किया? कितना जमीन है आपके पास? जमीन कितनी है आपके पास? जमीन हमारे पास जमीन कुछ नहीं है तो फिर कैसे पात्र नहीं है? जमीन नहीं तो गरीब ही माना जाता है। वो तो बात की बात है, जैसे आपने अपने मर्जी भाई बड़ा आदमी वही माना जाता है जिसके पास 25 से 30 बीघा की ऊपर जमीन है। आपने शिकायत किया माता जी? आप इसको खुद कह रहे हैं कि
पाने के पात्र नहीं है, हमारा सबके पास। मैडम जी आपका क्या नाम है? सभी ग्राम सभा में सभी लोग बोल रहे हैं आपके ग्राम सभा में कि कोटा आपको मिलना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अगर मेरे साथ है तो मैं सब लोगों को, सारे कोटेदार लोग जैसे यूनिट पे एक किलो दो किलो चार किलो जो भी काटना हो रहा है काट रहे हैं, वैसे आप भी करेंगी? नहीं, पब्लिक अगर मेरे साथ है तो उसकी मदद करेंगे हम, पैसा नफा पैसा लेंगे, उसको जो मिलना चाहिए उसको देंगे पूरा। पब्लिक अगर हमारे लिए करते हैं तो हम पब्लिक के लिए।